एक ऐसी जगह जहां रहना किसी सपने से कम नहीं। कंगना रनौत होस्टेड कैप्टिविटी शो लॉकअप की शुरुआत हो चुकी है। शो का पहला एपिसोड एमएक्स प्लेयर और आर्ट बालाजी पर रिलीज कर दिया गया है। रोज इस शो का एक एपिसोड इन दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया जाएगा, जिसे दर्शक बिना किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन के पूरी तरह मुफ्त में देख सकेंगे। सलमान खान के शो बिग बॉस से कुछ कुछ मेल खाते हुए इस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आ चुकी है और ऐसा लगता है कि शो में काफ़ी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिलने वाली है। शुरुआत से ही विवादों में है कंगना का ये शो और आज जब इसका पहला एपिसोड आया तो इस बात का पता भी चल गया कि कंगना अब आग लगाने के लिए तैयार है। वैसे भी वो किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखती हैं। शो के पहले ही एपिसोड की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार रही। टीजर और प्रोमो वीडियो में जहां कंगना रनौत पापा के पैसों से भी बेल नहीं मिलने की बात कहती है नज़र आई थी, तो वहीं शो के पहले एपिसोड में उन्होंने बगैर ऋतिक रोशन का नाम लिए उनका मजाक उड़ाया। कंगना रनौत का इशारा सोशल मीडिया यूजर्स समझ गए और उन्होंने ट्विटर पर इसे लेकर कई सारे ट्वीट भी किए हैं। ऋतिक और कंगना के बीच थी करीबियां। कंगना रनौत ने एक ही मिनट में ऋतिक रोशन को धो डाला है। हालांकि शो में उन्होंने इनडायरेक्ट ही बोला था, लेकिन दर्शक तो समझ ही जाते हैं कि कंगना का इशारा साफ है। कंगना ने अपने शो की शुरुआत में ही कुछ ऐसा कह डाला है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने सरेआम ऋतिक रोशन पर उंगली उठा दी है। कंगना के शो लॉकअप का कल ग्रैंड प्रीमियर था। उसी शो में कंगना कहती हुई दिखाई देती हैं कि बाहर पूरी दुनिया हिल गई है कि कंगना रियलिटी शो कर रही है। किस किस की पोल खुलेगी, लोगों के गले सूख रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं। जिन लोगों ने मुझसे 5 साल से बात नहीं की उनके भी फ़ोन आ रहे हैं। वो लोग गिफ्ट भेज रहे हैं कि भाई कंगना को पटा कर रखो, कहीं अंदर जाकर वो हमारी पोल ना खोल दे। लोग 5 उंगलियां मिलाकर हाथ जोड़ रहे हैं। वैसे तो गला 6 उंगलियों वालों का भी सूख रहा है, लेकिन हाथ जोड़ना अभी बाकी है। अब तो जो होगा सो होगा और जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अब हाथ जोड़ो या पैर जोड़ो, अब वही होगा जो मैं चाहूँगी। कंगना ने अपने इस डायलॉग में जिस तरह 6 उंगलियों वाले का जिक्र किया है, उससे कंगना का इशारा साफ है कि वो किसी और को नहीं बल्कि ऋतिक रोशन को ये सब बोल रही हैं। ऋतिक पर कंगना हमेशा ही किसी न किसी बहाने से निशाना साधती रही हैं। 2016 में कंगना और ऋतिक का विवाद काफ़ी चर्चाओं में रहा था, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने ऋतिक को अपना एक्स बॉयफ्रेंड बताया था। उस वक्त कंगना ने बताया था कि दोनों रिलेशनशिप में रहे हैं। दोनों की जुबानी जंग और बातें फिर इतनी विवादित होती चली गई कि मामला लीगल नोटिस तक पहुंच गया। इसके बाद कंगना ने ऋतिक के ईमेल्स को भी सार्वजनिक किया था। वैसे एक वक्त था जब ये दोनों ही सितारे एक दूसरे के काफ़ी करीब हुआ करते थे। जहां तक बात है लॉकअप के पहले एपिसोड में ऋतिक रोशन का मजाक उड़ाने की, तो बता दें कि कंगना ने बिना नाम लिए शो में कहा कि 6 उंगली वाले का भी गला सूख रहा है। अब देखना यह है आने वाले एपिसोड्स में कंगना किस किस पर क्या क्या आरोप लगाती हैं।